तो आज का हमारा विषय है तैरने का तंत्र। तैरने का तंत्र, पानी में तैरते हैं ना, उसका तंत्र। किसी को पता है क्या तंत्र है? उसे क्या बोलते हैं हम? बायोंसी। बायोंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी बायोंसी क्या होगी? ज्यादा होगी कम होगी? बायोंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ओके, तो उसको लेकर हम एक छोटा सा फनी एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके लिए हमें दो कंटेनर लगेंगे और उसमें पानी लगेगा। दो कंटेनर की जगह हम बड़ा कंटेनर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बड़ा कंटेनर नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, दो छोटे कंटेनर से काम करेंगे। और एक एल्यूमिनियम फॉइल लगेगा, उसे दो भागों में आपको डिवाइड करना है। देखिए बच्चों, आपके सामने सर ने अभी बताया कि हमें इस प्रयोग के लिए क्या लगने वाला है। दो जो बाउल लिए हैं, इसमें पानी लिया है, ठीक है। और ये पेपर शायद से आप सभी जानते हैं, कौन सा पेपर है ये, कहाँ पर यूज होता है ना? शायद से आप लोग इसमें रोटी पैक करके लाते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम इसे प्रयोग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी ये एल्यूमिनियम फॉइल जो है, हमारे छात्र पानी में डालेंगे, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये पानी में डूब जाएगा कि पानी पर तैरेगा? क्यों तैरेगा? ठीक है, अभी देखते हैं। जैसे आपने कहा है कि ये पेपर पानी पे तैरने वाला है, देखो मित्रों, एक दो पेपर है हमारे पास। एक पेपर को हमने वैसे के वैसे ही पानी में तैरा है और दूसरे को हम क्या करेंगे, फोल्ड करके पानी में तैरेंगे। तो क्या होगा, किसकी बायोंसी ज्यादा होगी? फोल्डेड की ज्यादा होगी। लेकिन हमारा तंत्र क्या कहता है, बायोंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। फिर उल्टा कैसे होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी बायोंसी क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, होनी चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे फनी क्या है, पेपर अभी जब इसमें हमने डाला है तो ये तैर रहा है, जैसे आपने कहा था कि ये तैरेगा, तैर रहा है, ठीक है। अभी दूसरे जो भी बर्तन में है, हम दूसरा पेपर डालेंगे, लेकिन उसके फोल्ड घड़ी करके डालेंगे, उसको देखना अभी क्या हो रहा है। तैरे दोनों पेपर तैर रहे हैं, लेकिन मैं इस पेपर को अगर नीचे डालता हूं क्या होगा, ऊपर आएगा? ये तो ऊपर नहीं आया, क्यों नहीं आया? ज्यादा हो गए इसलिए नहीं आया है ना। क्यों ऊपर नहीं आया, क्या रीजन है इसका? एयर प्रेशर। बड़े बच्चे में से कौन बताएगा क्यों ऊपर नहीं आया पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल ऊपर क्यों नहीं आया, कौन बताएगा मुझे? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। एल्यूमिनियम फॉइल की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए ऊपर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये फोल्डेड वाला जो है, अगर हम इसे नीचे डालेंगे तो क्या होगा, नीचे डालो, ऊपर आ रहा है। जो फोल्डेड एल्यूमिनियम फॉइल है वो क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। आ गया ऊपर, ऊपर आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसकी बायोंसी ज्यादा होनी चाहिए, जो फ्लैट पेपर है उसकी बायोंसी ज्यादा होनी चाहिए ना। लेकिन फोल्डेड की बायोंसी क्या हो रही है, ज्यादा दिखाई दे रही है आपको।
नीचे फोल्ड कर दो। अभी ये जो प्लेन पेपर है, जब हमने पानी पर डाला तो ये तैरने लगा, जब इसको बीच में डीप किया तो ये अंदर ही रह गया, हालांकि इसे ऊपर आना चाहिए था बराबर, क्योंकि कोई भी पेपर पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन ये नीचे रह गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। अब ये जो पेपर है जो अंदर नीचे पानी में छोड़ा हुआ है, उसको अंदर के अंदर ही हम फोल्ड करते हैं और देखते हैं कि बाद में ये ऊपर आएगा या नहीं आएगा। पानी के अंदर फोल्ड करने के बाद क्या होता है देखते हैं। देखो पानी के अंदर फोल्ड करने के बाद पेपर नीचे ही रह गया, ऊपर नहीं आ रहा है, और बाहर फोल्ड करने के बाद क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। क्या रीजन इसका? यस, वेरी गुड वेरी गुड, क्लैप। बिल्कुल, जब हम पानी के अंदर पेपर को फोल्ड करते हैं, पानी के अंदर एयर नहीं होती है, होती तो थोड़ी होती है, लेकिन अगर हम बाहर फोल्ड करते हैं तो जो एल्युमिनियम फॉइल है उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, उसके वजह से क्या होता है, एयर की डेंसिटी क्या है, कम है एज कम्पेयर टू वाटर। इसलिए जब हम उस फोल्डेड बाहर फोल्ड किया हुआ जो एल्युमिनियम फाइल है उसके अंदर डाल दे तो एयर के वजह से क्या होता है, ऊपर आ जाते हैं। ये मेन रीजन है। समझ में आ गया सभी को? है ना फनी? मैजिक है क्या? मैजिक है क्या? है साइंस। इसके पीछे क्या है? साइंस। वेरी गुड, थैंक यू।